हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज का वीडियो रिफ्रेश पे लेके आया हूँ क्योंकि हम रिफ्रेश करते हैं अपने कंप्यूटर को, लेकिन पता नहीं होता है उससे हमारा कंप्यूटर स्लो भी होता है या स्मूथ। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारा कंप्यूटर उस समय स्लो हो जाता है जब हम रिफ्रेश करते हैं, तो उस समय स्लो हो जाता है। मैं इसका प्रूफ दिखाऊंगा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, मैं आप प्रूफ दिखाता हूँ अभी। पहले अपना टास्क मैनेजर ओपन कर लीजिए। तो सॉरी, ये हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो गया। देखिए अभी 50, 59, 51 ऐसे चल रहा है हमारा कंप्यूटर का सीपीयू यूजेज। देखिए, जब भी मैं रिफ्रेश करूँगा वो उसका यूजेज बढ़ जाएगा। तो हम रिफ्रेश करेंगे फंक्शन प्लस F5 दबाकर। तो देखिए, हमारे सीपीयू का यूजेज बढ़ चुका है और बढ़ते ही जा रहा है। तो ये हमारे कंप्यूटर को स्लो करता है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि हम कभी अगर मेरा हमारा फाइल कहीं भी कॉपी किए हैं या फिर कुछ भी, तो वो शो नहीं हो रहा है। एक बार रिफ्रेश करने से वो आ जाता है, तो इसलिए हमारा रिफ्रेश बटन दिया होता है। ये हमारे कंप्यूटर को फास्ट नहीं करता है जो फाइल नहीं आ पाते हैं, नहीं शो हो पाते हैं, लेकिन है वहाँ उस लोकेशन पे, लेकिन फाइल शो नहीं हो रहा। तो इसको रिफ्रेश करने के बाद वो तुरंत आ जाता है। इसके लिए रिफ्रेश बटन दिया होता है हमारे कंप्यूटर में, ना कि हमारे कंप्यूटर को फास्ट करने के लिए। तो धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।